जी वो मैं बोलता नहीं, मैं आई थिंक आई एम स्टिल स्वीट 16 यार. ओके आई थिंक जोक्स अबाउट आई थिंक हां मतलब 30 प्लस 16 से थोड़ा डबल ही है. थोड़ा डबल से थोड़ा ज्यादा. कुछ इंटरेस्टिंग दिमाग में आए, बट अभी तो आई जस्ट टेकिंग आराम से एंजॉयिंग माय शो. इनकेस अगर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है देन आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट. बट आई थिंक बी अ डायरेक्टर इज नॉट ईजी एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. जब इन्होंने मुझे पहले मेरे फिल्म में डायरेक्ट किया था तो हम लोग बहुत हंसते थे यार ये जब शॉट लेते थे, बट हैट्स ऑफ टू हिम यार. वो बहुत मुश्किल है पूरी टीम को लेके आगे जाना एंड हर एक शॉट को पहले से प्री प्लान करना और फिर शूट करना और फिर वो रिजल्ट लेके आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई डोंट नो, शरद ने कुछ सीखा भी होगा मुझसे तो यू नो ही इज एक्चुअली इतनी अच्छी तरह से डायरेक्ट करेगा ये मैं समझ भी अपनी तरह मैं सोचा नहीं था, पर हैट्स ऑफ. एक स्टोरी पे इसका इट्स गुड कंट्रोल है, डायरेक्शन शॉट टेकिंग सब मतलब प्लान जाते हैं, प्लान के हिसाब से तो कुछ होता नहीं है लेकिन नहीं, actually, प्लान हाँ. जाते हैं और कंप्लीट किया कोशिश करते हैं दो दिन में ये पूरा ढाई दिन में कंप्लीट किया ये मींस आई एम प्राउड ऑफ हिम. सर कोई भी मूवी हो या शॉर्ट फिल्म हो रियल हीरो तो डायरेक्टर ही होता है, इस तरह का एक्सपीरियंस रहा डायरेक्शन का और ये आइडिया कहाँ से आया? आई थिंक मुझे एक्चुअली मैं बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है डायरेक्शन में, बट आई थिंक हम लोग इतनी फिल्में देखते हैं, हम लोग इतने हम लोग काम करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टेकिंग थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, ज़्यादा तो नहीं आती बट थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है. एंड आई थिंक देन यू जस्ट वॉन्ट टू गो एंड एक्सप्लोर कि आप क्या करेंगे, आप डेली सॉप कर रहे हैं, दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, सो यू वॉन्ट टू डू समथिंग मोर इन लाइफ. सो आई थिंक मुझे लगा कि जब मुझे पूजा ने भाई बहुत इंटरेस्टिंग मुझे वन लाइन दिया था कि एक ऐसा रियल स्टोरी ऐसी जो हुई थी, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर हम काम करें. एंड बस आई थिंक तब का दिन है और स्टोरी अब मत बोलना. नहीं हम स्टोरी तो नहीं बोलेंगे बट इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक्साइटिंग स्टोरी. और आई थिंक जब प्रतीक जैसा कोई आई थिंक इंसान हो जिसका ऑब्वियसली इतना नॉलेज है आई थिंक अबाउट सिनेमा एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. यू नो आप मैं खुद भी इसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट यू नो व्हेन यू हैव समबडी, व्हेन यू हैव द काइंड ऑफ यू नो गुड बैगेज ही ब्रिंग्स विद द एंटायर स्टोरी और पूरे जो ये बैकिंग करते हैं बहुत ही आपको ये कंफर्टेबल कर देते हैं इन योर स्पेस. सो वो बहुत कम होता है आजकल. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम अच्छे दोस्त हैं बट एक चीज़ है आई थिंक काम के टाइम हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं. स्टोरी नंबर वन था, सो स्टोरी इज व्हाट गॉट मी ऑन बोर्ड, मतलब उसी ने मुझे आकर्षित की एंड हैट्स ऑफ फॉर हिम टू एग्जीक्यूट इट सो वेल. जैसे कि आपने कहा स्टोरी हम नहीं बताना चाहते, कितना रिसर्च करना पड़ा? ट्रू स्टोरी है, काफी रिसर्च करना. हां ट्रू स्टोरी है, थोड़ी बहुत मुझे रिसर्च करनी पड़ी. मेरे राइटर्स हैं एक दो आई थिंक बहुत अच्छे हैं. ट्रू स्टोरी पे आधारित है लेकिन है पूरा फिक्शन. हाँ देखिए थोड़ा बहुत तो हमें जो है कैरेक्टर स्केच करना पड़ता है, प्लस हमें जो राइटर्स का बैठ के बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तो वो सब तो हमें करना. आई थिंक मुझे कुछ महीना डेढ़ महीना लगा पूरा सब कुछ रेडी, फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी करने में. उसके मैंने फिर प्रतीक को भेजा, उसमें हमें कुछ ऑल्ट्रेशन किए, मतलब कुछ चीज़ें जो इन्होंने बताई बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें जो हमने कहा थी. तो आई थिंक एक ओवरऑल एक जो टीम एफर्ट है. हाँ आई थिंक इट वॉज वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट कोलेबोरेशन, बिकॉज कहानी ऐसी है कि आपको कहीं भी आपको कोई कहीं आप एक लूप होल नहीं छोड़ सकते हैं. सो आई थिंक वो हमें बहुत जरूरी करना था एंड लकली हमने किया है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. आई लव एक्टिंग. आई मीन एक्टिंग इज समथिंग आई कैनॉट थिंक एनी थिंग अबाउट एक्टिंग, बट देन डायरेक्शन ऑब्वियसली सी बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द एंटायर. इट्स लाइक दिस ब्यूटिफुल सिनेमा इज सो यू नो इट जस्ट अट्रैक्ट यू ऑल द टाइम एंड देन यू वॉन्ट डू समथिंग मोर देन एक्टिंग ऑल्सो. सो मे बी डायरेक्शन और मे बी एडिटिंग और मे बी जस्ट डूइंग समथिंग विद इट. सो दैट्स माई आइडिया. Patience, yeah. Patience. I think you need a lot of patience, especially with the actors. So now I understand what my directors go through. A lot of. मुझे आशीर्वाद मिल गया है. तो I think film अच्छी होगी definitely. Thank you, Ssharad ji and Vishali. I love you people a lot. I think it's about understanding that आपके साथ पूरी टीम है. आपके साथ पूरी एक टीम है और इश्तियाक जी मुझसे बात करना चाह रहे हैं. जी 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 मैं बहुत जल्दी आपको आपसे मिलने वाला हूँ और आई थिंक पूरी टीम को लेके साथ चलना, बिकॉज एज एन एक्टर आप इंडिविजुअली आगे जा रहे हैं बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक पूरी टीम लेके आगे जाते हैं, जो मैंने इनसे सीखी है. वो बात जानना चाहूँगा, काफ़ी मेमोरीज आपकी दिख रही है. जी मेमोरीज दिख रही, बहुत सारी मेमोरीज हैं यार. हाँ कोई एक स्पेशल मेमोरीज आपसे शेयर कर सकते हैं? आई थिंक मुझे सबसे स्पेशल तो आई थिंक ये है यार, मेरे बिल्कुल पीछे है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट्स हैपेंड. आई थिंक जो लव यहाँ पे हुआ था आई थिंक वो सिडनी से आई थिंक वो अमैया अपार्टमेंट से हुआ चुका है. आई थिंक वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है एंड आई थिंक वो अच्छी बात है बिकॉज
यू नो इट्स बियॉन्ड वर्क जो बहुत ज़रूरी है. आप वो काम के जो हम लोग हट के हम लोग जो मिलते हैं जो वहाँ फिर हम लोग फिर काम की बात नहीं करते हैं विच इज़ वेरी नाइस. यार मुझे सिर्फ 12 साल हुए हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है. अरे इधर आओ यार, कहाँ छुप के खड़े हो ये बात, इधर आओ. हाँ कितने साल हो गए बताओ यार, मुश्किल से तो 12 साल हुए हैं अभी. खाली 12 साल. और इसको कितने साल हो, टीनेजर भी नहीं हुआ अभी तो. सोचो अभी तो मतलब मेरे दांत भी नहीं निकले, मतलब दूध के दांत निकले हैं, फूटे ही नहीं है. फूटे ही नहीं है. निकले क्या, फूटे फूटे ही नहीं. ये देखो किसी को क्रेडिट देना तो किसे देना चाहेंगे, किसके लिए, इसके 12 साल के लिए जो आपके हमेशा पीछे रहा. माय मॉम एंड डैड, मॉम एंड डैड एब्सोल्युटली, मतलब और कोई नहीं, और कोई नहीं है, मॉम डैडी बिल्कुल. आपसे जानना चाहेंगे आप शरद को एज अ एक्टर देखना पसंद करें या डायरेक्टर. मैं सिर्फ एक्टर देखना पसंद करूंगा, डायरेक्टर काफी अच्छा है एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हिज वर्क, बट एक्टिंग इज समथिंग वो नेचुरली आता है एंड ही इज वेरी गुड. जितने भी फैंस हैं आई थिंक मुझे सच बताऊँ तो मुझे हर साल वो जो प्यार है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है. और पिछले साल मुझे 100 मैसेज आए थे, इस साल मुझे कुछ 200-250 मैसेज आए, इतने मेल्स आए, तो आई थिंक इट जस्ट कीप्स ग्रोइंग एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड. इनफैक्ट हम लोग कभी कभी बात भी करते हैं दैट यू नो दैट इतना जो प्यार मिलता है इट्स अनबिलीवेबल, बिकॉज आप बाहर से आते हैं किसी और दूसरे शहर से और आके ऐसी फैमिली बन जाती है. मैं आपको आप लोगों से मैं कितना मिलता हूँ, घर पे मिलता हूँ, गणपति के टाइम पे मिलता हूँ, कितने नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं. सो आई थिंक इट बिकम्स अ फैमिली और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैमिली को साथ लेके चलें. तो ऐसा नहीं कि जब मैं काम नहीं कर रहा तो मैं आप लोग भूल जाऊँगा या फिर आप लोग मुझे भूल जाएँ. इट्स इंपॉर्टेंट कि हम दोनों साथ में चलें. सो दैट समथिंग विच आई मेंटेन फॉर सो मेनी इयर्स एंड उम्मीद है कि आगे भी हो. कम कम यार छोड़ो, आई यू his course from New York Film Academy and all, so he was very keen in starting something like that. So usko wo idea strike hua and he thought that he should start something and all I did was inspiring him all the way. But I think it's very important to actually I mean the inception jaise start hota hai wo jump bahut zaruri hai. So wo find that idea is important. Yeah please. Yeah. Hey, as a producer I see her you know ek producer banne ki kshamta rakhti hai. Oh my god. Taliya. अच्छे आइडिया समझ सकती है. सो यू नो और ये बोलने के लिए मुझे बाद में पैसे भी दे रही है. बट थैंक यू फॉर द आइडिया. थैंक यू सो मच. एक्चुअली जो बन के आया है इट्स रियली गुड एंड आई एम श्योर कि जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. बहुत ही रियलिस्टिक बनाया है शरद ने एंड एक्चुअली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. एक्चुअली मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. बट आई थिंक जब आप करते हैं किसी चीज़ को बहुत ही दिल से तो आई थिंक वो अच्छा या बुरा वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको टच करता है एज अ व्यूअर ऑल्सो एज अ मेकर ऑल्सो. हाँ तो आई थिंक हमें तो ऑब्वियसली अपना बच्चा बहुत अच्छा लगेगा बट इट्स ऑल अबाउट यू गाइस ऑल्सो वॉचिंग इट एंड देन डिसाइडिंग. सो अच्छा है बोलना भाई है ना. ए सबको अच्छे खाना पीना सबकी. हाँ जी आई डोंट नो दैट ही हैज़ टू आंसर बट We are actually talking to certain platforms to take the thing, but soon it will be maybe by February, March is something I'm looking at. So yeah, please do watch it. Please give it likes and please share it and share it. Give your true opinion. That's what matters. You know that will help us create more ideas that you guys like. True. If you don't like, also I'm going to make more ideas. अभी तो एक्टिंग देखेंगे यार. थोड़ा डायरेक्शन से ब्रेक ले, एक्टिंग करे एंड देन कम बैक टू अभी बहुत एक्टिंग बहुत सारी चीजें आने वाली. अभी एक्टिंग का कीड़ा खत्म नहीं हुआ है. अरे वो तो कभी भी खत्म नहीं होगा. बट वो तो लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा. बट ठीक है कभी बीच बीच में यू नो जस्ट टू टेक अ ब्रेक आप कुछ और कर सकते हैं विच इज नाइस टू ट्राई. हमने एक लोग से भी पूछा आपसे भी जानना चाहेंगे कि शरद को आप एज अ एक्टर देखना पसंद करेंगे आगे की डायरेक्टर. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई थिंक आई वुड लाइक टू सी हिम एज अ एक्टर फर्स्ट एंड बिकॉज डायरेक्शन इज कोई ऐसा नहीं है कि ही वॉन्ट्स टू डू दैट. इट्स हॉबी है वो. So whenever he gets time, he wants to do something, but acting is first passion in his car. So I think I want to see him act more than direction. Okay, so lastly, any special wish you want to give to him? All I want to say, happy birthday to him. And thank you. I hope for jo bhi, have a great year. Jo bhi wish kare, wo sab pura ho. And
happiness to him. That's all. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, guys.